नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के लिए क्वेश्चन बैंक 2016 का सॉल्यूशन लेकर आ गया हूं, ठीक है ना। मैं अभी आपको क्वेश्चन बैंक 2009 से लेकर 2020 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हुए हैं ना, उसका एकदम आसानी तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छी तरह से करते रहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 2016 का पेपर है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर वन क्या कहा जा रहा है कि एफ फॉलन सच डेट ए बिलोंग्स टू क्या बी। तो अनाच्छादक फलन बोल रहा है। तो जब अनाच्छादक फलन बोलता है तो जो फलन होता है उपसमुच होता है बी का, ठीक है। अगर यही आच्छादक कहता तो एफ ए इजकल टू बी कह देते, ठीक है। लेकिन अनाच्छादक बोला है तो इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा, ठीक है। अगर आच्छादक का भी कह दे तो आप याद रखेंगे कि फलन बराबर बी हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो है कॉस इनवर्स दोस्तों -1/2 का मुख मान क्या होगा, ठीक है। तो सिंपल ये सब ऑप्शन दिए गए, चलिए इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ आपको। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, कॉस इनवर्स -1/2 था। तो एक फार्मूला होता है, कॉस इनवर्स माइनस में होता है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख देते हैं, यानी कि हम उसी तरह से इस फार्मूला के अनुसार इसको लिख दिए पाई। और ये कॉस इनवर्स 1/2 कितना का मान होता है, तो आपका 60 का मान होता है, कॉस 60 का मान। तो कॉस 60 का मान यानी पाई बाई थ्री। अब इसको कैलकुलेट करिएगा तो यहाँ 3 में पाई से, तो 3 पाई में से एक पाई घटा तो 2π/3, यही इसका राइट आंसर, ठीक है। यानी कि इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। ये तो सिंपल है, इसका तो सूत्र ही होता है दोस्तों π/2। टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2, ये तो सूत्र ही होता है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ठीक है। तो इसका भी मान निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए हम कैसे मान निकालते हैं, यहाँ पे देखिए इसका मान निकालना है डिटर्मिनेंट का। तो सिंपल तरीका से आप क्या करिए, ये R1 होता है, ये R2 होता है, R3 होता है। तो R1 में से हम R2 को घटाकर लिख दिए R1 के स्थान पे, और R2 के स्थान पे हम क्या करेंगे, R2 माइनस R3 को घटाकर लिख देंगे, ठीक है। यानी कि ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 में से 1 घटा तो 0 हो गया, और a में से b घटा तो a माइनस बी, और ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी R1 के स्थान पे R1 माइनस R2 कर दिया। इसी तरह से R2 के स्थान पे ये R2 में से R3, यानी 1 में से 1 घटा 0, b में से c घटा b माइनस सी, और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे R3 को कोई चेंजिंग नहीं किए हैं, छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। अब क्या करिएगा दोस्तों, तो आपको R1 में से क्या मिल रहा है, a माइनस बी मिल रहा है। यहाँ भी a माइनस बी मिल जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो हम माइनस में यहाँ पे मिलेगा ना हमको a माइनस बी, और यहाँ भी a माइनस बी तो कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए b माइनस सी मिलेगा, यहाँ भी b माइनस सी मिलेगा, तो यहाँ से b माइनस सी इस R2 में से ले लिया, ठीक है, और R1 में से a माइनस बी ले लिया। तो यहाँ पे ये तो बाहर आ गया ना, तो यहाँ पे क्या बचा, 1। और यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ए माइनस बी एक बड़े एक प्लस बी, तो ए माइनस बी तो बाहर चला गया है, तो प्लस बचेगा ना, प्लस वाला बचेगा। यहाँ इस लाइन में देखिए ए बी माइनस बी तो बाहर चला गया, तो यहाँ पे 1 बच गया, और यहाँ पे ए माइनस वाला तो बाहर चला गया, तो प्लस वाला बचा है, और ये जो लाइन था R3 ऐसे ही छोड़ दिया गया, ठीक है। आगे बढ़िएगा दोस्तों, तो हम क्या किए हैं, अब प्रसरण कर ले रहे हैं। ये C1 के अनुदिश, यानी कॉलम C1 के अनुदिश, तो यहाँ पे क्या होता है, ये 1 ले लेंगे, ठीक है ना। ये प्लस में होगा क्योंकि ये तीसरा कॉलम, तीसरा पंक्ति का 1 नंबर, यानी कॉलम नंबर 1, ठीक है। यानी कि इसको इसको कैसे लिखते हैं दोस्तों, इसको लिखते हैं तीसरी, यानी A31 लिखते हैं ना, इसका मान इसको दर्शाते हैं। तो A31 यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड रो का पहला, यानी कि 3 × 1 कितना हो गया, 4। तो 4 है, यानी कि क्या हो रहा है, सम संख्या, यानी कि प्लस में आएगा वैल्यू, इसलिए प्लस दिया गया है, यानी कि एक ऐसे ही लिख दिया गया। इसको करिएगा तो इसके सामने ये कॉलम ख़त्म, ये रो ख़त्म, तो ये चारों मान लिख दिया जाएगा। इसको ऐसे ही उतारते गए हैं, तो अब एक में इतना से गुना करेंगे, तो इतना है एक में इसे गुना करिएगा, लेकिन माइनस करना पड़ता है सूत्र में, माइनस 1 में इतना से गुना करके तो इतना ही रहेगा, लेकिन माइनस से गुना होगा तो ये दोनों माइनस में आ जाएंगे, ठीक है। और ये कट रहे हैं, तो देखिए ये कट गए ना, प्लस माइनस, तो सी माइनस से ए बच गए ना, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, यानी कि इसका राइट आंसर कौन है, तो देखिए इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है आपको, यही इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। तो ये लीजिए नेक्स्ट सवाल, क्या कहा जा रहा है कि a बराबर इतना है, b बराबर इतना है, तो 2a + 2b 3b बराबर कितना होगा। सिंपल, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं।
तो देखिए दोस्तों हमने क्या किया, यहाँ पे 2 ए का मान जो दिया था भर दिया 3 और यहाँ पे बी का मान जो दिया था रख दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, गुना कर लीजिए सब में 2 से, तो 3 दुना 6, 6 दुना 12, 5 दुना 10, 4 दुना 8, 3 से सब में गुना, 7 3 21, 8 3 24, 5 3 15, 6 3 18। इसको आप प्लस कर लीजिए संगत अव्यय को, 21 कितना हो जाएगा 27, 12 और 24 36, 10 और 15 25 और माइनस 8 में प्लस 18 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। यही इसका राइट आंसर 27 36 25 10। देखिए कौन सा इसका राइट आंसर आपको दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है, 27 36 25 10 यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ये कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन पूछा जा रहा है यानी अवकलन, तो इसका तो सूत्र आप जानते ही होंगे, क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी -1/√1 - x2। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का दोस्तों सूत्र क्या होता है, पाई बाई टू होता है, क्या होता है, पाई बाई टू होता है। और जब इसका अवकलन करेंगे यानी डी बाई डी एक्स करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का अवकल क्या होता है दोस्तों, जीरो होता है। अगला सवाल यहाँ पे देखिए, वाई बराबर कॉस लॉग एक्स, इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या किए हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स दिया है, कॉस का क्या होता है माइनस साइन, और ये एक्स के रूप में है जो उसको छोड़ दीजिए, वाकई में तो एक्स नहीं है ये तो लॉग है, तो एक बार इसका भी करना पड़ेगा ना, तो एक्स लॉग एक्स का क्या होता है 1/x। अब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना इतना आएगा, यानी माइनस साइन लॉग एक्स बटा एक्स, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर इसका बी दिख रहा है आंसर। ठीक है, अगला सवाल वाई बराबर क्या है एक्स क्यू, यहाँ पे देखिए दोस्तों तो पूछा गया था डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर का मान पूछा गया था। ठीक है, यानी डबल डिफ्रेंशिएट करना है, तो एक बार हम सिंगल डिफ्रेंशिएट फिर उसके बाद एक बार और डिफ्रेंशिएट तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए मैंने वैसे ही कर दिया, वाई का है ना, तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करिएगा दोस्तों तो यहाँ पे जो पावर होता है उसको पहले लिख लेते हैं, उसके पावर में से कम कर देते हैं, हो गया, फिर पुनः करेंगे एक बार, तो यहाँ पर डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये पावर आएगा ना गुना में, तो 3 पहले से था, ये 2 आएगा तो 3 दुना 6 हो जाएगा, इसके पावर में से एक कम होगा, तो एक्स के पावर 1 लिखिए चाहे ना लिखिए, ठीक है, यानी कि 6x इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ना कौन सा इसका उत्तर दिख रहा है आपको, 6x यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, यहाँ पर 6x दिया है, यही राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, तो देखिए अगला सवाल क्या कहा जा रहा है दोस्तों, कि x के पावर 8 का अवकलन समाकलन पूछा जा रहा है, तो इसके पावर में क्या करते हैं, 1 जोड़ देते हैं, यानी ये 8 है तो कितना हो जाएगा 9, और वही बटा में दिखेगा, कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी, और कांस्टेंट जुड़ जाएगा तो कांस्टेंट के हो गया। अगला जीरो का एक्स के सापेक्ष समाकलन क्या होगा, तो जीरो का समाकलन करिएगा यानी कि डी वाई बाई डी एक्स निकालिएगा। ठीक है, इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, तो जब भी जीरो का समाकलन होगा दोस्तों कांस्टेंट आता है, याद रखेंगे, यानी कि के हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन देख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पे देखिए इसका बोल रहा है समाकलन dx बटा 1 - sin x का, तो चलिए इसको करते हैं। तो देखिए इसका हम क्या करेंगे दोस्तों, हर के पर में करण कर देंगे, तो माइनस में है तो एक बार हम क्या करेंगे, ये माइनस है ना, इसको प्लस करके नीचे ऊपर गुना कर देंगे। ठीक है, फिर काटेंगे फिर उतना आ जाएगा। अब इसके बाद एक से इतना में गुना तो उतना ही रह गया, और ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर एक बार साइन का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है साइन स्क्वायर, 1 - sin² क्या होता है दोस्तों कॉस स्क्वायर, और एक बार कॉस स्क्वायर में 1 से भाग, 1 में cos² से भाग, एक बार कॉस स्क्वायर में इससे में भाग, तो 1 - cos² sec स्क्वायर, आप फार्मूला पढ़े होंगे 10th क्लास में, और साइन बटे कॉस 10 हो जाएगा, एक तो कॉस बचेगा ना, 1 cos क्या हो जाएगा sec, और एक बार साइन बटे कॉस 2 cos है ना, तो एक बार हम क्या करेंगे 1 cos ले लेंगे तो sec हो जाएगा, और एक बार साइन बटे कॉस ले लेंगे तो 10 हो जाएगा। तो इसका आप जब समाकलन करिएगा तो sec स्क्वायर का समाकलन क्या होता है 10x, और sec x - tan x का समाकलन करेंगे तो sec x हो जाएगा, और कॉन्स्टेंट क्या जुड़ जाएगा के, इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर का क्या बोला गया है, समाकलन करके ए बी लिमिट रख देना है। ठीक है, सिंपल, तो कैसे बनाएंगे इसको, देखिए देखिए मैंने इसको सॉल्यूशन कर दिया। देखिए यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है ना, तो पावर बढ़ जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 3, और नीचे इसमें 3 से भाग, और जो लिमिट है लिमिट लिख दिया गया, तो एक बार क्या करना है आपको ए भर देना है इसमें, एक्स के स्थान पर एक बार ए भरना है, और एक बार बी भर देना है माइनस में, और ये 1/3 तो बाहर गए थे, गुना कर लिया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है आपका, ए क्यू माइनस बी क्यू बटा 3, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल ये देखिए कह रहा है अवकलन समीकरण डी वाई बाई डी एक्स का इतना का हल होगा, इसका हल पूछा जा रहा है, तो चलिए हल करते हैं इसको। देखिए इसको हल कर दिया डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको देखिए एक्स प्लस वाई है ना, तो इसको आप गुना में लिख सकते हैं, क्योंकि बेस जो होता है अगर समान होता है तो अगर पावर क्या हो जाता है जुड़ा रहता है,
तो इसको हम गुना में लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, y वाले के साथ ये y गुना में था तो इधर आके भाग में, ये इधर ऐसे ही छोड़ दिया गया। ex dx जो था इधर भाग में था तो उधर जाकर गुना में। अभी ऊपर गया तो क्या हो गया, e के पावर y है ना, तो ऊपर गया तो इनवर्स में चला जाता है, या dy है गुना में, इधर भी आई, दोनों तरफ अब समाकलन कर लेंगे हम, तो इधर समाकलन, इधर समाकलन, तो इसका समाकलन इतना ही आएगा, लेकिन माइनस वन सटा है तो उसमें माइनस वन से भाग करना पड़ेगा, और e के पावर x का क्या हो जाता है, e के पावर x ही हो जाता है, x में वन सटा है तो वन से भाग देने पर उतना ही आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस वन सटा था इसलिए माइनस वन से भाग किया गया, और इधर कॉन्स्टेंट जुट जाएगा ना x के सापेक्ष होता है, तो हो गया कॉन्स्टेंट x k। ठीक है, अब देखिए इसको माइनस से भाग देंगे तो इतना माइनस आ जाएगा, ये माइनस था तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी e के पावर x प्लस e के पावर माइनस y प्लस k बराबर जीरो हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, इसमें बोला समाकलन गुणांक, तो ये तो सूत्र ही है, इसका समाकलन गुणांक होता है e के पावर पी डी एक्स, कौन दिख रहा है पी डी एक्स, तो यहाँ पे q दे रहा है, यहाँ पे p, देखिए दोस्तों समाकलन गुणांक को आई एफ कहा जाता है, और इसका फॉर्मूला था e के पावर पी डी एक्स। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शन में दिख रहा है आपको ऐसा, ऑप्शन में तो नहीं दिख रहा है ऐसा, ऑप्शन में कोई इसमें नहीं दिख रहा है, यहाँ पे क्यू दे दिया है, अगर ये पी रहता तो ये आंसर हो जाता, ये है तो यहाँ पे डी वाई भी है, डी एक्स होता है, ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, अगर ये रहता इसका, ठीक है ना, पी और यहाँ पे पी रहता यहाँ पे डी एक्स, तो ये इसका राइट आंसर होता। ठीक है, अवकल समीकरण इतना का कोटि पूछा जा रहा है, तो इसमें देखिए कोटि यानी कि डी वाई बाई डी एक्स यानी एक बार अवकल किए गए हैं, और तो नहीं है कहीं, तो एक बार अवकल तो कोटि उसका एक, अगर दो बार अवकल तो कोटि उसका दो, तीन बार तो तीन, तो इसमें एक बार अवकल की गई है तो इसका कोटि क्या हो गया दोस्तों, एक। अगर इसका घात पूछता तो इसके अगर पावर हम देखते तो दो है ना, तो ये दो हो जाता घात, लेकिन कोटि पूछा है तो इसका एक आंसर। इसी तरह से इसमें कह रहा है घात पूछा जा रहा है, तो कितना बार, एक बार यहाँ पे अवकल, एक यहाँ पे दो बार अवकल, तो ज़्यादा बार वाला हम देखेंगे, यहाँ पे एक बार अवकल किया गया, इसमें दो बार अवकल किया गया, तो यहाँ पे ज़्यादा बार अगर आपको ऐसे नहीं बुझा रहा है तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स देखिएगा आप, डी के पावर कितना यहाँ पे वन है, यहाँ पे कितना है दो है, तो ज़्यादा बार वाला देखेंगे, यानी ज़्यादा बार वाला कितना बार हुआ है दो बार, तो इसका कोटि क्या हो गया दो, लेकिन इसका घात पूछा जाएगा तो वही ज़्यादा बार वाला को देखेंगे और उसके पावर देखेंगे कितना है भाई, तो दो है, तो इसका घात क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सॉरी सी दो हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर। चलिए अगला सवाल, बिंदु इतना का स्थिति सदिश बोल रहा है, तो बस इसमें आई जे के लगा देना है, तो यानी ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर, यानी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, तो ये सदिश स्थिति बन जाएगा। अब इसे बोल रहा है कि इसका क्या निकालना है दोस्तों, तो इसका आपको मोड निकालना है, तो सिंपल है, तो देखिए कैसे निकाले हैं, इसमें माइनस वन छिपा है तो माइनस वन का होल स्क्वायर, इसमें टू है तो टू का स्क्वायर, इसमें माइनस थ्री है तो माइनस थ्री का स्क्वायर रूट अंडर, तो वन हो जाएगा इसका, इसका फोर हो जाएगा, इसका नाइन हो जाएगा, स्क्वायर से तो माइनस खत्म हो जाता है ना, सबको ऐड कर लीजिए चौदह आ गया, ऑप्शन नंबर कौन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अगला सवाल बोला कि यदि बिंदु ए और बी के स्थिति सदिश दिया गया एक दो तीन और दे रहा है माइनस तीन माइनस चार जीरो हो तो ए बी निकालना है। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाएंगे, तो जब भी इस तरह से दिया गया हो बिंदु और इसका, तो क्या हो जाएगा, इसको मान के चलिए ओ है, ओ ए कर लीजिएगा, ओ ए बराबर कितना हो जाएगा, इसमें आई जे के लगा कर लिख दीजिएगा, इसमें ओ बी कर लीजिएगा, आई जे के लगा कर लिख दीजिए, और ए बी निकालना होता है तो ओ बी में से ओ ए घटा दिया जाता है, यानी इसमें से आपको इसको घटाना होगा। ठीक है, देखिए इसमें जीरो क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे जीरो है। ठीक है, इसमें से इसको घटाइएगा, तो इसको आप पहले लिखिएगा ना ओ बी को, तो ये जीरो लिखिए, चाहे नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे मैंने जीरो नहीं लिखा, इसको माइनस करेंगे, ओ ए का मान रख दिया, घटाइएगा तो माइनस तीन, इसको ऐसे ही एक लाइन उतार लिया गया, माइनस से गुना होगा तो सब माइनस में बन जाएगा, और माइनस तीन आई माइनस एक वाई कितना हो गया माइनस चार वाई, माइनस पाँच माइनस चार गोजे और माइनस दो गोजे माइनस छः गोजे, और यहाँ पे तो के इधर एक ही बार है ना माइनस थ्री के, तो यही इसका राइट आंसर, माइनस चार आई माइनस छः जे माइनस थ्री के, कौन सा दिख रहा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। ठीक है, तो बस इस पार्ट में हम लोग, यानी कि ये पार्ट नंबर कौन कितना था, तो ये पार्ट नंबर हमारा 27 था, यानी कि 27, तो इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 20 तक ही सोल्यूशन करेंगे, अगले पार्ट में मैं इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन लेकर आऊँगा।
तो दोस्तों यदि पहली बार मैंने चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन के घंटी को भी दबा देंगे ताकि इस तरह से मैं वीडियो आपके लिए लाते रहूँगा, ठीक है ना। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।